नमस्कार दोस्तों, आप सभी का चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं निधि अग्रवाल, वास्तु कंसल्टेंट, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड क्रिस्टल एक्सपर्ट। दोस्तों, आज बहुत डिमांड पे, मतलब बहुत सारी रिक्वेस्ट पे मैं आप लोगों के लिए एक स्टोन लेकर आई हूँ, जिसे हम ओपल के नाम से जानते हैं। ये बहुत ही मैजिकल और ब्यूटीफुल स्टोन होता है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे कि कौन कौन इसे पहन सकता है, किस तरीके का स्टोन होता है, इसे किस तरह ये बनता है और कैसी कैसी वैरायटी में बाजार में मिलता है, किस दिन आप इसे पहने और क्या क्या ये स्टोन आपको देता है आपकी लाइफ में, ये सारी बातें मैं आज आपसे करने वाली हूँ। तो वीडियो को जरूर लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आप वीडियो को थोड़ा सा देख के छोड़ देंगे तो आपका बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट मिस हो जाएगा, जो कि हम वीडियो के लास्ट तक आपको बताते रहते हैं। कई इंपॉर्टेंट बातें होती हैं जो हम बोलते हैं ना, जैसे वीडियो बनाते बनाते हमें नहीं पता चलता कि कब हमने क्या बोला, तो लास्ट तक आते थे कई इंपॉर्टेंट बातें जो शायद आपकी मिस हो जाएंगी अगर आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे। तो चलिए आज ओपल को लेके बात करते हैं। तो ये जो ओपल स्टोन होता है ना, बहुत ही ब्यूटीफुल और मैजिकल स्टोन होता है। बहुत सारे रेनबो कलर्स लेके, जैसे तारे टिमटिमाते हैं ना, उस तरीके से स्टोन के ऊपर आपको नजर आएगा। और ये स्टोन अर्थ के बहुत ही अंदर जब सिलिका डिपॉजिट हो जाती है और उसके ऊपर सनलाइट पड़ती है ना, तो जैसे प्रिज्म का इफेक्ट होता है ना, वो लाइट पड़ने से जैसे प्रिज्म का इफेक्ट होता है, उसी तरीके का इफेक्ट आता है और बहुत पावरफुल स्टोन होता है ये। पर ये मार्केट में आपको 3 वेराइटीज में मिलेगा। एक तो होता है जो कि बिल्कुल ही कहते हैं ना सिंथेटिक, सिंथेटिक वाले का कोई ना तो आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा, ना ही वो बहुत ज्यादा सुंदर दिखते हैं, वो कुछ प्लास्टिक जैसे आपको दिखने को मिलेंगे। दूसरा होता है कॉमन, कॉमन बहुत ही इजीली अवेलेबल होता है, पर इसमें बहुत सारे कलर्स आपको नहीं दिखते, जो ह्यूज में आपको बोल रही रेनबो के, वो आपको इसमें नजर नहीं आएंगे। और जो प्रीशियस होता है, तो बहुत सुंदर होता है जो इसका प्रीशियस एक्चुअली में ओपल होता है, सारे रेनबो कलर्स को लिए हुए होता है। जैसे हम जेमस्टोन्स को देखते हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट जेमस्टोन्स के डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं, उसी तरीके के कलर्स आपको एकदम तारों की तरह इसमें टिमटिमाते हुए नजर आएंगे। बहुत सुंदर स्टोन होता है। तो पता है ये स्टोन हमें क्या देता है? ये स्टोन शुक्र के सारे जो इफेक्ट होते हैं ना, वो हमें देता है, यानी कि हमारी लाइफ में बहुत सारी लग्जरी को बढ़ा देता है, हमारी लाइफ में बहुत सारे प्यार को बढ़ा देता है, हमारे और हमारे पार्टनर के बीच में, मतलब जो आप हस्बैंड वाइफ हैं आपके बीच में एक बहुत ही अच्छी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बना देता है। अगर आप किसी भी परेशानी से गुजर रहे हैं अपनी सेक्सुअल लाइफ को लेकर, तो उसमें भी ये आपकी बहुत हेल्प करता है और आपके और अपने पार्टनर के बीच में एक अलग सा अट्रैक्शन क्रिएट कर देता है। ये जो स्टोन है, ये आपको हर तरीके की लग्जरी, पैसा, गाड़ी, मकान, हर सुख सुविधा, समाज में मान सम्मान, सब कुछ दिलाता है। ये जो स्टोन है ना, ये पीस ऑफ माइंड भी देता है। ये हमारे थर्ड आई चक्रा के ऊपर भी काम करता है, हमारे थ्रोट चक्रा के ऊपर भी काम करता है और थर्ड आई चक्रा को ओपन करने में भी हेल्प करता है। ये जो स्टोन है ना, ये आपको बहुत ही कहते हैं ना डेलिकेट, बहुत ही ज्यादा केयरिंग, अफेक्शनेट, लविंग पर्सन बना देगा। आपको अपने अंदर से एक बहुत अच्छी फीलिंग आएगी, जो लोग आपसे मिलेंगे उनको भी आपसे मिलके बहुत ही अच्छा सा एहसास होगा। ये स्टोन किस किस डिजीजेस पे काम करता है, चलिए वो बात कर लेते हैं। तो ये स्टोन ब्लड को प्योरीफाई करता है, वाटर रिटेंशन बॉडी में बनाता है, उसमें हेल्प करता है, और ये किसी भी तरीके के जो एग्रेसिव एटीट्यूड होता है ना, उसको भी शांत करने के लिए हेल्प करता है, किडनीज के फंक्शन में हेल्प करता है, लिवर के फंक्शन में हेल्प करता है। बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं जो इसको पहनने के बाद वेयरर को समझ में आते हैं और महसूस होते हैं। ये थ्रोट चक्र पे काम करता है, तो ऑब्वियसली हमारी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं उनको भी बढ़ा देता है और थ्रोट से रिलेटेड जो भी डिजीजेज हैं उसको भी कंट्रोल करने में हेल्प करता है। ये हमारी मेंटल हेल्थ में भी बहुत हेल्प करता है, माइंड को कूल बनाता है, काम करता है, और एक अलग से जो मैंने बताया ना लविंग वाली जो हमारी फीलिंग है कि हम अंदर से बहुत ही ज्यादा एक प्यार से भरा हुआ सागर बन जाते हैं, मतलब काफी ज्यादा मैंने बोल दिया पर ऐसा ही है। ब्यूटी, चार्म, वेल्थ एंड डिवाइन ग्रेस हमें देता है ये स्टोन। तो ये स्टोन जो है ना, ये ऑस्ट्रेलिया का नेशनल स्टोन भी है। बहुत ही सुंदर दिखने वाला ये स्टोन है। इसे आप अपनी मिडिल फिंगर में या अपनी रिंग फिंगर में धारण कर सकते हैं। सिल्वर में भी आप इसे बनवा सकते हैं। इसको धारण कीजिए आप शुक्रवार के दिन, फ्राइडे। इसको धारण करने के लिए आप एक रिचुअल कीजिए। सुबह के टाइम आप इसे गंगा जल, कच्चा दूध, दही और शहद और थोड़ा सा घी उसमें डाल के, मतलब जैसे हम बोलते हैं ना पंचामृत बनाने के लिए, सारी चीजें डाल के आप उसको थोड़ी देर के लिए उसमें रख दीजिए। और उसके बाद शुक्र के बीज मंत्र का जाप करके आप चाहे तो 21, 51, 101 या 108, मतलब एक माला मिनिमम करके
आप इसे धारण कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया इसको मिडिल फिंगर में या रिंग फिंगर में आपको धारण करना है, सिल्वर में आप इसे पहन सकते हैं और बहुत ही अच्छा आपको इसको पहनने के बाद फील आएगा। इस तरीके से आप इस स्टोन को यूज कर सकते हैं, चाहे आप इसे पेंडेंट बनवाइए, चाहे आप इसकी रिंग बनवाइए। इस स्टोन को आप डायमंड के सब्स्टिट्यूट के रूप में भी पहन सकते हैं, जैसे जो लोग डायमंड को अफोर्ड नहीं कर सकते वो एपल पहन सकते हैं, वो सारे बेनिफिट आपको डायमंड वाले इस स्टोन से मिलते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और अगर आप ओपल को ट्राई करते हैं तो मुझे जरूर जरूर लिख के बताइएगा कि आपने कैसा आपको फील हुआ और किस तरीके का आप एक्सपीरियंस आपको ओपल पहनने के बाद हुआ। नमस्कार।